तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। मैं सैयद अजीम, हम इस वक्त सिल्लोड़ तहसील के शूना गांव में मौजूद है, और जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये बैनर मराठा मुस्लिम एकता मंच की तरफ से सभी आने वाले मेहमानों का इकराम किया जा रहा है। और पूरे दिन भर से यहाँ लोग मराठा समाज के लोग हैं, हिंदू भाई है उधर, वो बिस्लेरी पानी नाश्ता सभी मुस्लिम भाइयों को दे रहे हैं। तुम्हें हमारा उद्देश्य ये है कि हिंदू मुस्लिम एकता करे और एक दिल से रहे, एक में की जो दुर्भावना है वो दूर करे और संगन मत से रहे। आज हिंदू मुस्लिम भाई भाई ये डिक्लेयर करे, और ये इनका कार्यक्रम जो है वो इसके वास्ते रखा हुआ है कि भाई किससे भेदभाव करना नहीं, उसके वजह से ये कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम हमको बहुत जजा करके हम उनकी खिदमत में है। हमारे जो मुस्लिम भाई है करीब करीब 15 से 20 साल से सिंधखेड़ राजा में जो कार्यक्रम होता है वहाँ से लेकर, तो अभी जो हमारे मराठा समाज के क्रांति मोर्चे निकले उसके बाद वहाँ से लेकर अभी हमारे समाज के मराठा क्रांति योद्धा मनोज जरांगे पाटिल साहब, इनकी जो अंतर वाली सराठी में सभा हुई, तो वहाँ पे हमारे जो मुस्लिम भाई है उन्होंने जगह जगह पे केली नाश्ता पानी, उसके बाद में जगह जगह पे हमारे मराठा समाज के भाइयों के जो गाड़ी के टायर वगैरह पंक्चर निकालने का काम उन्होंने फ्री में किया। तो हम भी गांव में बैठने के बाद हमारे जो भाई है हमारे ऐसी चर्चा हुई कि भगवान की कृपा से हमें भी एक छोटा सा मौका आया है कि हमारे जो मुस्लिम भाई है उनकी सेवा करने का। तो जो इज्तिमा हुआ शूना गांव को जो मौका मिला इज्तिमा करने का, तो हम भी सकल मराठा समाज शूना सर्कल इसमें शामिल हुए। सबसे पहले हमारे गांव में दो चार महीने पहले थोड़ी सी बुरी घटना हुई थी, तो बहुत दिनों से हम चाह रहे थे कि कुछ मुस्लिम समाज की खिदमत में हम कुछ कर सकें। अभी सुधाकर काले ने बताया कि जो मोर्चे हुए थे मराठा क्रांति मोर्चे, हर मोर्चे में मुस्लिम बांधव की तरफ से लोगों को नाश्ता पानी की जो सोई कर रही थी उन्होंने, वो हिसाब से हमने भी कुछ उसके बारे में सोचा था कि भाई अपन भी कुछ कर सकेंगे तो अच्छी बात है। और गांव के सब लोगों ने आज जो काम करे यहाँ पे, तो गांव में सब बच्चों को बड़े बुज़ुर्गों को सबको मैसेज जाएगा कि सब अमन से रहेंगे तो ये कार्यक्रम की जो उद्देश्य है वो सफल होगा। सर का कहना है कि पिछले कुछ दो चार महीने पहले कुछ घटना हुई थी, उसको मतलब मिटाने के लिए, रंजिश से मिटाने के लिए सब दोनों समाज, हिंदू समाज मुस्लिम समाज एकता के साथ रहे, उसी का यही उद्देश्य था उनका रखने का कि भाई आपस में भाईचारा से रहे, मिलजुल कर रहे। और हमारे दूसरे भाई ने बताया कि अंतरवारी सराठी को जो जरांगे पाटिल साहब की सभा हुई थी वहाँ जितने भी लोग जा रहे थे मुस्लिम भाइयों की तरफ से उन्हें नाश्ता पानी और जो पंचर की दुकानें जगह जगह मुस्लिम भाइयों ने खोल रखी थी वो फ्री में था। सवेरे से यहाँ बाबा हम देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, हमारा दूर से आना हुआ तो बाबा भी बच्चों को बड़ों को पानी की बॉटल चाय वगैरह बाबा ऐसी सेवा कर रहे हैं जैसे उनके घर पे दूर से मेहमान आए हुए हैं। उनके घर की शादी में राजू बाबा से दो शब्द जानते हैं बाबा। जो हमारे गांव में जो 19 और 20 तारीख के लिए इज्तिमा का जो प्रोग्राम चालू है, और हम सब हमारे हिंदू समाज के सब लोगों की जो मौका मिला है सेवा करना का, आपके मुस्लिम समाज के सब इज्तिमा में आने वाले सब मेहमानों का, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि हमको सबको ये मौका मिला है। और हम यही सोच रहे थे बहुत और दो चार पाँच साल से कि हमारे भी नसीब में ऐसा कोई मौका है एक हंदा कि हम कुछ ना कुछ कर सके, और वो दिन आज आया है और वो काम हमने करा है। सवेरे से सर आप सेवा में लगे लोगों की, आप क्या मैसेज देना चाहोगे आपकी तौर से? सर्वप्रथम आज हज़रत टिपू सुल्तान
यांची जयंती आहे। या जयंतीनिमित्त सर्व जनते शुभेच्छा देतो व हजरत टिपू सुलतान यांना अभिवादन करतो। आज शिवना या ठिकाणी मुस्लिम बांधवांचा होणाऱ्या इज्तिमा या कार्यक्रमासाठी या कार्यक्रमाचा जो उद्देश असतो तो उद्देशच घेऊन आम्ही सकल मराठा समाजाच्या वतीनं या ठिकाणी जे काही बाहेरगावून येणारे मुस्लिम बांधव आहे त्यांच्या सेवेसाठी म्हणजेच अर्थातच त्यांना चहा नाश्ता आणि पाणी याची व्यवस्था या ठिकाणी मराठा समाजाच्या वतीनं करण्यात आली आहे। कारण माझ्या अगोदर या ठिकाणी आमच्या समाज बांधवांनी आपले जे विचार व्यक्त केले त्यांनी सांगितलं की आमच्यावर ज्या ज्या वेळेला जो काही प्रसंग आला मराठा क्रांती मोर्चा असतील अंतरवाली या ठिकाणी झालेली मोठी महाविराट सभा असेल किंवा दरवर्षी 12 जानेवारीला मातृतीर्थ शिंदखेड राजा या ठिकाणी या मुस्लिम समाजाचं जे योगदान असतं ते आम्ही डोळ्यासमोर ठेवून तोच एक धागा पकडून तोच एक महापुरुषांचा विचार तो एक वारसा आम्ही समोर ठेवून आज आम्ही या ठिकाणी सकाळपासून जवळपास 6 वाजेपासून या ठिकाणी या मुस्लिम बांधवांच्या सेवेत आहोत। मला तरी वाटतं आम्ही काही एवढं मोठं खूप मोठं काम करत नाही परंतु खारीचा वाटा म्हणून या समाजासोबत कसं एक आमचा संबंध जोडला जाईल। कारण आज आपण जर पाहिलं तर समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्यासाठी खूप काही आटोकाट प्रयत्न चालू आहेत परंतु आमचं गाव शिवना या गावातील जे काही प्रतिष्ठित नागरिक असतील आज या ठिकाणी सकाळपासूनच उपस्थित आहेत। त्यांच्या सहकार्यांना तरुण मंडळीच्या सहकार्यांना आज या ठिकाणी एक उपक्रम होत आहे त्यामध्ये सर्वांचाच एक जिक्रीनं सहभाग आहे। लहान मोठ्यापासून या ठिकाणी मुस्लिम समाजाच्या जे काही येणारे जाणारे असतील त्यांच्या सेवेसाठी या ठिकाणी सर्व समाज सज्ज आहे। मुस्लिम धर्मियांच्या पवित्र अशा इज्तिमासाठी आलेल्या बांधवांसाठी आम्ही सकल मराठा समाज शिवना सर्कलच्या माध्यमातून पाणी चहा व बिस्किट आदी साहित्यांचं वाटप केलेलं आहे। आमचा एवढाच उद्देश आहे की माणूस तो कोणत्या जातीचा असो सर्व माणूस किंवा सर्व मानव हे समान आहे आणि काही लोक या मानवाला जात धर्म पंत यामध्ये वाटताय आणि ते कुठेतरी बंद व्हावं म्हणून आम्ही हा एक छोटासा संदेश या माध्यमातून दिलेला आहे। आपण बघितलं असेल की गेल्या अनेक दिवसापासून जे मोर्चे झाले मराठ्यांचे 58 मोर्चे 2016 पासून ते आजतक आहेत म्हणजेच परवाचा अंतरवली सराठीचा जो जी जाहीर सभा झाली त्याही वेळेस मुस्लिम समाजाने वेळोवेळी मराठा समाजाला मोठा भाऊ म्हणून पाठिंबा दिलेला आहे आणि त्याची एक छोटीशी परतफेड म्हणून आम्ही हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे।